नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे यहाँ देश में जब बिजली गिरने से लोगों की मौत होने लगती है तो हमारे देश का मीडिया पता नहीं क्या हो जाता है इसे कि ये 24 घंटे बिजली गिर गई, मर गए लोग, मर गए। एक दिन की रिपोर्ट साबित करते हैं बस, ये कितने दिन की, एक दिन की रिपोर्ट देते हैं कि इतने लोग मर गए, ये हुआ ये हुआ, यहाँ बिजली गिर गई, वहाँ बिजली गिर गई, मर गए। लेकिन अब जब इनको कोई काम करना चाहिए इसके लिए, इसे तो बोलेंगे भाई नेचुरल डिजास्टर है, तो भैया रोक लगाओ ना, कुछ तो करो। अब रिपोर्ट आई है, देख सकते हैं, मैंने गूगल से पूछा तो गूगल क्या कहता है, आप सुनो दोस्तों, आप सुनो गूगल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो गूगल क्या कहता है। Despite technological advancement, lightning strikes remain the most common reason for deaths by forces of nature, 35.3% according to National Crime Record Bureau data. Lightning strikes have killed 1,619 people between April 1, 2020 and March 31, 2021, according to India's second annual lightning report. अब देख सकते हो दोस्तों, अब ये रिपोर्ट है कब की, अप्रैल 1, 2020 से मार्च 31, 2021 तक की। दोस्तों ये रिपोर्ट आई है, इसमें करीब बताया गया है कि एक साल में 1,619 लोगों की डेथ हो जाती है। अब इसे कौन सी डेथ बोलेगी, है नेचुरल डेथ भाई, नेचर से। अरे कुछ तो रोका जा सकता है, कुछ तो करा जा सकता है इस पे। ये मीडिया वाले बस चिल्लाते रहते हैं और कुछ इसके पीछे कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। अब देश निकालेगा, बोलेंगे हम क्यों निकाले सोल्यूशन, देश निकालेगा। अरे देश निकालेगा भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो यहां बेइज्जती करते हो, घोर बेइज्जती। दोस्तों इन्हें समझना चाहिए इस चीज को, आपका क्या मानना है दोस्तों, मीडिया ये क्या करता है। अब रिपोर्ट आई है दोस्तों, देख सकते हैं, और ये मृत्यु दर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और राजस्थान के कुछ राज्यों में होगी, और न जाने कितने लोग मर जाते हैं बिजली गिरने से। इसके पीछे इसका कोई उपाय नहीं निकाला गया है। सबसे ज्यादा चर्चा भूकंप की होती है, भूकंप आ गया, लेकिन बिजली को साइंटिस्ट भी नहीं ध्यान दे रहे बिजली के ऊपर, इतनी खतरनाक चीज है। इसके ऊपर ना स्टडी की गई है, ज्यादा स्टडी नहीं है, पिछले 100 सालों से स्टडी करना शुरू किया गया है बिजली के ऊपर। मीडिया वाले बस चिल्लाते हैं कि इतने लोग मर गए, ये कर लिया, फोन यूज कर लिया। अरे कुछ तो किया जा सकता है उनको बचाने के लिए, ऐसी जगह जाने मत दो जहां बिजली गिरे नहीं, कहीं जहां गिरती हो ज्यादा वहां पर कोई अर्थिंग वगैरह के सिस्टम करवा दो। दोस्तों आपका क्या मानना है, अब आप देख सकते हैं।